तो ब्रेकिंग सायरन बच गया, यानी कि बड़ी खबर आ रही है। चीन के खिलाफ एक्शन में अमेरिका आ चुका है। चीनी नागरिकों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बहुत बड़ा कदम अमेरिका की तरफ से। कोरोना संक्रमण, मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप है ड्रैगन पर। ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका बेहद नाराज है चीन से। चीनी नेतृत्व और अर्थव्यवस्था के खिलाफ अमेरिका का यह बहुत बड़ा कदम चीन के खिलाफ। और कश्मीर में डिजिटल आतंक फैला रहा है पाकिस्तान। पैसों का लालच देकर व्हाट्सएप ग्रुप करता है तैयार, फर्जी फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स के जरिए दुष्प्रचार की कोशिश। धर्म और कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान परोसता है भड़काऊ कंटेंट, देश दुनिया के वीडियोस को कश्मीर का बताकर सेना की छवि धूमिल करने की साजिश। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 11 दिसंबर को बुलाई विदेशी राजनयिकों की बैठक, LOC पर हालात की देगा जानकारी, अफगान सीमा पर आतंकवाद फैलाने पर भी देगा सफाई। चीन ने अपने देश की 65% मस्जिदों को ढाया, इस्लाम के नाम पर आतंक बांटने वाले पाकिस्तान ने ड्रैगन के अत्याचार पर चुप्पी साधी। ऑस्ट्रेलियाई रणनीति संस्थान ने किया खुलासा, 2017 के बाद से चीन में मस्जिदों को ढहाने के काम में आई तेजी, उइगर स्कॉलर्स भी गायब किए गए। पूर्वी हिंद महासागर में भारत और रूस की नौसेनाओं का 2 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ पहले ही युद्धाभ्यास कर चुकी हैं भारतीय नौसेना। पैंगोंग में पेट्रोलिंग के लिए स्टील बोट तैनात करेगी इंडियन आर्मी, पूरी तरह से स्वदेशी और नई तकनीक से होगी लैस। इंडियन एयरफोर्स ने LAC पर एक साथ 10 आकाश मिसाइलों की टेस्ट फायरिंग की, दुश्मन के विमानों को चंद मिनट में मार गिराने में सक्षम। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में पाकिस्तान ने किया फिर से सीज फायर का उल्लंघन, मोर्टार और छोटे हथियारों से की गोलीबारी, भारतीय सुरक्षा बलों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। 10 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच आज दोपहर 2 बजे होगी बातचीत, बैठक से पहले किसानों ने दिखाए तेवर, कहा कानून में कोई संशोधन मंजूर नहीं। कृषि कानून पर बोले किसान, आज बात नहीं बनी तो 8 दिसंबर को होगा भारत बंद। किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, आज फूकेंगे प्रधानमंत्री का पुतला। पूर्व पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ की बड़ी मुश्किलें, अल अजीजिया और एवनफील्ड मामलों में घोषित हुए अपराधी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शरीफ के खिलाफ जारी किया आदेश। मुस्लिम कट्टरपंथियों पर सख्त हुई फ्रांस की सरकार, 76 मस्जिदों पर लग सकता है ताला, 66 हुए डिपोर्ट। कट्टरपंथियों के हमले के बाद फ्रांस में मस्जिदों पर बढ़ गई निगरानी, आंतरिक मंत्री ने कहा आतंकवाद की पौध तैयार करने वाली मस्जिदों की जांच के आदेश। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने चीन बॉर्डर पर तैनात की एंटी एयरक्राफ्ट गन, पलायन करने वाले नागरिकों को देखते ही गोली मारने के आदेश। कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद से ही नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है सील, जरूरी सामान की किल्लत होने पर देश छोड़कर चीन भाग रहे हैं लोग। UAE की अमेरिका को धमकी, कहा अगर F-35 फाइटर जेट और MQ-9 ड्रोन नहीं मिले तो दूसरे देशों से खरीदेंगे हथियार। और ब्रेकिंग सायरन बज गया है, बड़ी खबर, चीन ने बनाया कृत्रिम सूर्य। जी हां, जल्द ही परीक्षण की तैयारी में भी है चीन इसको लेकर। सूर्य से 10 गुना ज्यादा रोशनी का चीन दावा भी कर रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो तकनीक है। पर्यावरण के अनुकूल रोशनी का दावा भी किया गया है चीन की तरफ से। दिल्ली घेर कर बैठे किसानों का ऐलान, राजधानी के सभी रास्ते करेंगे बंद, टोल नाकों को भी नहीं खुलने देंगे। फरीदाबाद के सिकरी बॉर्डर पर किसानों का जबरदस्त जमावड़ा, दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसान। RJD नेता तेजस्वी यादव ने PM मोदी और CM नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले किसानों के समर्थन में महागठबंधन आज देगा धरना। किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, कोरोना के खतरे को देखते हुए आंदोलन को खत्म करने का निर्देश देने की मांग। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अफगानिस्तान में जारी हिंसा पर जताई चिंता, का अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता के लिए है खतरा। अमेरिकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर का बयान, अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा। अपनी नौसेना को और ज्यादा मजबूत करने में जुटा भारत, अमेरिका से MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का सौदा, 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया गया। और घातक बनेगा भारत का C-130J सुपर हरक्यूलिस, 663 करोड़ की डील को अमेरिका ने दी मंजूरी।
चीन पाकिस्तान से तनाव के बीच अपने हैवीवेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहा है भारत। बॉर्डर से जुड़े दुर्गम पहाड़ी इलाकों के ऑपरेशन में आएगी तेजी। गाजियाबाद में एनएच 9 पर पुलिस और किसानों के बीच बढ़ा तनाव। एसपी सिटी के पैर के पास रुकी गाड़ियां, नंबर नोट कर की गई कार्रवाई। कृषि कानून के खिलाफ टीएमसी ने किया 3 दिवसीय आंदोलन का ऐलान। कोलकाता में 8 से 10 दिसंबर तक गांधी प्रतिमा के पास होगा प्रदर्शन। अंतिम दिन सीएम ममता बनर्जी भी शामिल। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, खट्टर सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। कृषि कानून को लेकर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने हरसिमरत कौर और केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, हरसिमरत के मंत्री रहते ही पास हुआ ऑर्डिनेंस। केजरीवाल से पूछा, बिल को मंजूरी क्यों दी। कृषि कानून को लेकर अमरिंदर सिंह पर हरसिमरत का पलटवार। बोली, अमरिंदर ईडी से बचने के लिए केंद्र के दबाव में, विरोध का केवल ड्रामा कर रहे हैं। अमृतसर में किसान संघर्ष समिति का प्रदर्शन, कैप्टन अमरिंदर सिंह का फूका पुतला। और इस बीच इसराइल से एक बड़ी खबर आ रही है। इसराइल ने अपने वैज्ञानिकों को अलर्ट कर दिया है। पूर्व न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को सावधान रहने के लिए कहा गया इसराइल की तरफ से। दरअसल ईरान अपने वैज्ञानिक की मौत का बदला ले सकता है इसराइल से, और यही वजह है कि अलर्ट किया गया है। ईरान के जो प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक है मोहसिन फखरीजादे की हत्या हुई थी, और इसी के बाद इसराइल से बदला ले सकता है ईरान, ये डर है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों पर वैज्ञानिक निगरानी रखें, ये बातें अलर्ट में कही गई हैं इसराइल की तरफ से। भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस में बढ़ी सऊदी अरब और यूएई की दिलचस्पी। अगले हफ्ते आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवड़े का 4 दिवसीय दौरा, हो सकती है बड़ी जीत। भारत से डरे चीन और पाकिस्तान एक साथ करेंगे एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज। शाहीन 11 2020 दिया गया है नाम। युद्धाभ्यास के बहाने ताकत दिखाने की कोशिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में समर्थ नहीं होते उनकी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाती है, ना अपनी सड़क बना सकते हैं और ना उस पर चल सकते हैं। चीन के खौफनाक इरादों की खुली पोल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कर रहा है विकसित, दुनिया के हर इलाके को बना सकेगा निशान। चीन की हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए इंडोनेशिया भी फ्रांस से खरीदेगा राफेल। 48 फाइटर जेट डील पर हो रही बात। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को फोन पर मिली धमकी। पुलिस के मुताबिक धमकी भरा फोन यूपी से आया, पुलिस ने एसआईटी की गठन। हैदराबाद निकाय चुनाव में टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। टीआरएस ने 55 सीटें जीती, मेयर पद पर ठोका दावा। हैदराबाद निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिली 44 सीटें, तीसरे नंबर पर रही एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी के घर में बीजेपी ने लगाई तगड़ी सेंध, हैदराबाद के निकाय चुनाव में जीती 48 सीट। तेलंगाना में बीजेपी के प्रदर्शन पर अमित शाह का ट्वीट, पीएम पर भरोसा जताने के लिए तेलंगाना की जनता का आभार। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के लिए जेपी नड्डा को बधाई। हैदराबाद निकाय चुनाव नतीजों पर सीएम योगी का बयान, भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है, विश्वास जताने के लिए भाग्यनगर की जनता को बधाई। यमन में सऊदी अरब की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन ने हूती विद्रोहियों का हमला नाकाम किया। गठबंधन सेना के टारगेट से ड्रोन के परखच्चे उड़े। अमेरिका का ईरान से जुड़ी कंपनियों पर बैन का सिलसिला जारी। ट्रंप प्रशासन ने शाहिद मईसामी ग्रुप पर लगाया बैन, ईरान सरकार के केमिकल प्रोजेक्ट के लिए काम करने का आरोप। बांग्लादेश ने 1500 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को दूर दराज के द्वीप पर भेजा। नौसेना ने 11 करोड़ डॉलर की लागत से घर, अस्पताल और मस्जिदों का निर्माण किया। अमेजन के जंगल में मिली हिमयुग के जानवरों की पेंटिंग, 12000 साल पुरानी होने का दावा। पेंटिंग की लंबाई करीब 8 किलोमीटर। हैदराबाद निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार। दक्षिण के बड़े शहर में के चुनाव में कांग्रेस का हुआ सुपड़ा साफ। 146 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस 2 सीटों पर सिमटी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद एन उत्तम रेड्डी का इस्तीफा। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के का ओवैसी के घर के बाहर जश्न, ढोल नगाड़े बजाए, पटाखे फोड़े। म्यांमार में बौद्ध भिक्षु ने सैकड़ों सांपों को पाला। बाजार में हो रही स्मगलिंग को रोकने के लिए बौद्ध भिक्षु ने उठाया सांपों को पालने का जिम्मा।
अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की गीतांजलि को टाइम मैगजीन ने चुना है किड ऑफ द ईयर। गीतांजलि ने पेयजल को प्रदूषण मुक्त करने, अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग रोकने की दिशा में शानदार काम किया है। सऊदी अरब में वैज्ञानिकों ने बनाई ई स्किन, एक सेकंड से भी कम समय में खुद को कर सकती है रिपेयर, 8 इंच की दूरी से भी चीजों को महसूस करने की क्षमता। महाराष्ट्र के शिक्षक रणजीत सिंह देसाले को मिला है $10 लाख का ग्लोबल टीचर पुरस्कार। बच्चों को स्थानीय भाषाओं में किताबें उपलब्ध कराने और लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अवार्ड से नवाजा गया। और पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, यूरोपीय संघ की तरफ से पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया गया है। PIA की फ्लाइट्स पर जारी रहेगा यूरोपीय संघ का प्रतिबंध, लाइसेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था पर असंतोष जाहिर किया गया है। पाकिस्तान की उड़ानों पर प्रतिबंध नहीं हटेगा, ये बात यूरोपीय संघ की तरफ से क्लियर कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के तीसरे फेज में हुई बम्पर वोटिंग, कश्मीर की जनता ने देश विरोधियों को दिया मुंहतोड़ जवाब, रिकॉर्ड 50.53% हुई वोटिंग। जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के दौरान फायरिंग, अनंतनाग में अनीस उल आलम नाम के उम्मीदवार को मारी गोली, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। अनंतनाग में DDC चुनाव के दौरान हंगामा, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत। झांसी में ग्रेजुएट विधान परिषद सीट की काउंटिंग के दौरान हंगामा, पुलिस और BJP नेताओं के बीच झड़प। 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हरिद्वार पहुंचे BJP अध्यक्ष JP नड्डा, मां गंगा की आरती में शामिल। हरिद्वार से JP नड्डा ने अपने 120 दिवसीय देशव्यापी दौरे की शुरुआत की, BJP अध्यक्ष ने साधु संतों से आशीर्वाद लिया, देश भर में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए जोर लगाएंगे नड्डा। अमेरिका के मिनेसोटा में हाईवे पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी, पायलट की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। अटलांटिक में फिर दिखा UFO, US मिलिट्री ने क्यूब और त्रिकोण आकार के UFO देखने का दावा किया, US नेवी के 2017 में UFO देखे जाने के बाद बनाया था टास्क फोर्स। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, 2021 में सोमालिया से सभी अमेरिकी सैनिकों की होगी वापसी, ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल के लिए BJP का मास्टर प्लान, आज 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचेंगे BJP वर्क। बंगाल फतेह के लिए एक्शन मोड में BJP, 117 लोगों की टीम का गठन, पूरे दमखम के साथ बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का डीजल पेट्रोल के दामों पर बेतुका बयान, कहा लोगों के पास बहुत पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार विधानसभा में करारी हार के बाद LJP के भी भीतर उठे विरोध के स्वर, प्रदेश महासचिव केशव सिंह बोले अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चिराग पासवान। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो की किसान आंदोलन पर टिप्पणी को लेकर भारत सख्त, MEA ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया। लक्षद्वीप के उपराज्यपाल दिनेश्वर शर्मा का निधन, एम्स में थे भर्ती, PM मोदी ने दुख व्यक्त। और एक और बड़ी खबर आ रही है, कोरोना महामारी पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, महामारी का बहुत जल्द अंत होगा, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर। वैक्सीन के परीक्षणों का होगा सकारात्मक परिणाम, कोरोना वायरस के खिलाफ विश्व एकजुट हुआ, अमीर राष्ट्रों से गरीब देशों को मदद की अपील भी की गई है। कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए ऑर्डर देने वाले देशों में भारत नंबर 1, 1.6 बिलियन डोज का ऑर्डर दिया गया, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का नंबर 2 और 3। बड़ी आबादी को संक्रमण से बचाने में भारत सरकार की रणनीति रही कारगर, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोरोना चेन टूट गई तो फिर यहां मास वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,62,00,000 के पार पहुंचा, 15,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 6,83,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 2,35,000 से ज्यादा नए केस, 2,700 से ज्यादा लोगों की मौत, कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,47,00,000 के पार पहुंची। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर, रईस जादे की तेज रफ्तार कार ने ली 14 साल के बच्चे की जान, जांच में जुटी पुलिस।
दिल्ली में शादियों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, शानदार कपड़े पहनकर करते थे वारदात, दो नाबालिग समेत 7 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक में नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, लोगों ने की युवकों की पिटाई, बीजेपी ने लगाया लव जिहाद का आरोप। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के सरगना दिनेश गोप पर 25 लाख रुपए का इनाम, झारखंड पुलिस ने गोप समेत अन्य सदस्यों की जारी की तस्वीर। लखनऊ के ठाकुरगंज में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, 5000 बोरी नकली खाद बरामद। दिल्ली में बीजेपी के पार्षद मनोज महलावत को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, रिश्वत लेने का आरोप। कोरोना के बहाने विश्व बिरादरी के सामने कर्ज मुक्ति का रोना रोए इमरान, कहा महामारी खत्म होने तक कोरोना प्रभावित गरीब देशों की लोन अदायगी की जाए निलंबित। पाकिस्तान ने अल्प विकसित देशों की देनदारी खत्म करने की अपील की, कहा पहले से ही संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की कोरोना के बाद बढ़ गई है परेशानी। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं मिली ट्रेनिंग की इजाजत, टीम के 8 खिलाड़ी हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन होगी तैयार, राज्यों की सरकारों से बात कर तय होगी वैक्सीन की कीमत। वैक्सीन वितरण पर बोले पीएम मोदी, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को दी जाएगी वैक्सीन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 36,000 से ज्यादा केस, 510 की मौत, अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 96 लाख के पार। देशभर में कोरोना से अब तक 90 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए, अब तक 4,08,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड, 73 मरीजों की मौत, अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार। कोरोना को जंग में हराने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ने छेड़ा अभियान, मास्क जरूर पहनने की लोगों से अपील की। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का दावा, अगले साल के शुरुआती 3 महीनों में उसकी पहली कोरोना वैक्सीन बाजार में हो जाएगी उपलब्ध। दवा कंपनी मॉडर्ना 10 से 12 करोड़ डोज तैयार करने का दावा कर रही है, कहा अंतिम ट्रायल में 95% कारगर रही वैक्सीन। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 मुकाबले में 11 रन से हराया, चहल के लिए 3 विकेट, 161 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 150 रन। भारत और पाकिस्तान के बीच अगले साल जून में होगा क्रिकेट मुकाबला, एशिया कप में आमने सामने होंगी दोनों टीमें, आईसीसी टूर्नामेंट छोड़कर पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलता है भारत। भारत के कोरोना वैक्सीन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी, 80 देशों के राजनयिक 9 दिसंबर को हैदराबाद के भारत बायोटेक कंपनी का दौरा करेंगे, तैयारियों की अपडेट लेंगे। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।